बुलेटिन की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के प्रस्तावित कार्यक्रम के साथ। दरअसल दोपहर 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट की नवनिर्मित टर्मिनल 1 का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री शर्मा। दोपहर 3:30 पर उदयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। राजसमंद में किरण माहेश्वरी की जन्म जयंती कार्यक्रम अलौकिक स्मरण में शिरकत भी वो करेंगे। दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भी शामिल होंगी। बड़ी जानकारी आपको दे रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर। दोपहर 2:30 पर जयपुर एयरपोर्ट की नवनिर्मित टर्मिनल 1 का उद्घाटन। 3:30 उदयपुर एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी खबर पर विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे साथ हमारी एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान कनेक्ट है। ऐश्वर्य, अगर बात करें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आज के कार्यक्रम की, तो क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आज राजसमंद जाना है और राजसमंद में जो कार्यक्रम है वो स्वर्गीय किरण माहेश्वरी की जन्म जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है। जब से उनका निधन हुआ था उसके बाद से उनकी पुत्री है जो वहां पर विधायक है, उन्हीं की सीट उन्हें विरासत में मिली और उस सीट से वो जीती। अब वो प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करती हैं। इससे पहले अन्य नेताओं को भी बुलाती रही। इस बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया और मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जाएंगे तो वो कार्यक्रम महत्वपूर्ण हो जाता है। और दूसरा जो कार्यक्रम है वो एयरपोर्ट वाला कार्यक्रम है, एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 का जो उद्घाटन है वो कार्यक्रम रखा गया है। लेकिन इन सब के अलावा महत्वपूर्ण यही, उदयपुर से मुख्यमंत्री वापस कितने बजे तक लौटते हैं, मेरे लिहाज से हो सकता है आज रात्रि विश्राम वहीं कर लें। दूसरा जो हिंदू महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी, वो 11 साल बाद टर्मिनल 1 शुरू हो रहा है और मुख्यमंत्री आज उसका उद्घाटन करेंगे। और इस टर्मिनल 1 से करीब 6-7 देशों के लिए फ्लाइट है और पहली फ्लाइट जो है अबू धाबी भेजी जाएगी। लंबे समय से ये टर्मिनल 1 बंद था, लगभग 11 साल बताए जाते हैं और नई शुरुआत हो रही है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं वो इससे शुरू हो जाएगी। और जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स से शुरू होंगी तो विस्तार माना जा सकता है, क्योंकि अब ये एयरपोर्ट है ये अडानी के हाथ है। अडानी ग्रुप चूंकि निजी क्षेत्र का ग्रुप है, निजी क्षेत्र में बेहतर तरीके से काम देखे जा सकते हैं, अक्सर ऐसा होता है। टर्मिनल 1 में जो शुरुआत में जो फ्लाइट्स हैं इंटरनेशनल, वो 6 विदेशी फ्लाइट होंगी, 6 या 7 के करीब विदेशी फ्लाइट होंगी और लगभग ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि मतलब पिछले सालों में अच्छी खासी संख्या यहाँ रहती थी। कई बार देखा होगा कि जयपुर एयरपोर्ट पर लोगों को बैठना तो क्या, खड़े होने के लिए भी तकलीफ हो जाती थी, जब अपना सामान लेके खड़ा रहते थे तो उनको दिक्कत आती थी। तो अब इसका थोड़ा सा विस्तारीकरण होगा तो लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी और लगभग 60 लाख से ज्यादा के यात्रियों का मूवमेंट होगा। और टर्मिनल 1 जो है इंदु, ये लगभग 11,500 वर्ग मीटर में है और सालाना 15 लाख यात्रियों का आवागमन हो सकेगा टर्मिनल 1 से। और यहाँ पर सुरक्षा की भी विशेष व्यवस्था रहेगी और अच्छे खासे तरीके से इसे तैयार किया गया है। और दुबई के लिए स्पाइस जेट एयर इंडिया एक्सप्रेस की 2 फ्लाइट चलेंगी। इसके अलावा मस्कट के लिए सलाम एयर, शारजाह के लिए जो फ्लाइट है वो एयर अरेबिया की फ्लाइट चलेगी। इतिहाद के लिए एयरवेज की अबू धाबी, एयर एशिया की बैंकॉक और कुआलालंपुर के लिए 1-1 फ्लाइट चलेगी। वहां करीब 15 दिन बाद टर्मिनल 1 से भी टर्मिनल 2 के बीच यात्रियों की आवाजाही शटल बस सर्विस से शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छा प्रयास है क्योंकि लंबे समय से बंद पड़ा हुआ था और मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करने के बाद उदयपुर के लिए रवाना होंगे। इंदु, ठीक है ऐश्वर्य, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से।